वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज एंड टू माई रोइंग ब्लॉगिंग सीरीज, जहाँ पे हम घूमते हैं रोइंग और घुमाते हैं आपको भी। तो आज के इस वीडियो में गाइज, जो कि हमारा पिछला एपिसोड था, उसका पार्ट टू आएगा। तो यहाँ पे हम घूमेंगे इस रोइंग के मार्केट वाले एरिया को। तो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, चलिए लेट्स रोल द इंट्रो। पिछले वीडियो में हम लोग रोइंग संडे मार्केट घूमे और आपको भी दिखाया क्या क्या इसमें मिलता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट करिए। और आज हम लोग बढ़ेंगे रोइंग का इस वाले एरिया, जो कि है रोइंग अपर मार्केट। तो देखिए, रोइंग का अपर मार्केट जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, पर पहले हम लोग ये रास्ते से जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए, ये रास्ते जाते हैं आपको पहले इस प्रकार से दिखेगा मंदिर, और इधर से बाजार यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये गांधी पार्क का एकदम सीधा रास्ता है। ठीक है, राइट साइड की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको ये सब दिखेंगे, जिसमें है बैंक ऑफ इंडिया भी है और हमें बहुत सारे दुकान है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें HDFC बैंक, इस तरह से थोड़ा बहुत स्टेशनरी शॉप, और यहीं पे आपको किरण स्टोर ये सब भी दिखेगा ये तीनाली। तो चलिए अब अगले रास्ते से आपको चल के दिखाएंगे ये वाले रास्ते से, क्योंकि सब रास्ता जाके एक जगह ही मिलता है बाजार पे। तो ये रास्ते से आप जाओगे तो आपको पहले इस तरह से बुक स्टोर ये सब मिलेगा, MS लिंगी बुक स्टॉल, फिर यहीं पे बगल पे आपको अनाकुम एकेडमी है, और ये सब देखिए दुकान सब मिलेगा यहाँ पे। मार्केट तो यहीं से शुरू हो जाता है, पर वो देखिए ये चार अली से, मतलब थोड़ा आपको ज़्यादा मार्केट सब दिखेगा, शॉप सब दिखेगा। और देखिए हम खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको JK एंटरप्राइज अभी फिलहाल यहाँ पे शिफ्ट है, और बहुत सारे दुकान आपको यहाँ पे मिलेगा, पर फिलहाल अभी बंद है। और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए ये इदुमिश्मी का लोकल, यहाँ पे आपको सामान जब मिलेगा वो भी आप चेकआउट कर सकते हो पर मार्केट पे। और यहाँ पे ये शिल्पी टेलर, वन ऑफ द बेस्ट टेलर इन ड्राइंग, सब ये रास्ता में मिल जाएगा। तो अब हम आए गाइस ये VSNL ऑफिस, इंडस्ट्रियल ऑफिस का तरफ से, और ये है गाइस शांति मार्केट। ये भी अपर मार्केट में ही आता है, जहाँ पे लगता है आपका संडे बाजार। देखिए, और बाजार की बात करें तो बाजार खुल जाता है सुबह 5 बजे के आसपास, तो शाम के 8, 8:30 और कोई कोई शायद 9 बजे बंद करते होंगे। 9 बजे तक सारा रोइंग का मार्केट बंद हो जाता है। तो और अपर मार्केट की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको हर तरह का दुकान मिलेगा। देखिए ये सब मोबाइल शॉप, TV शॉप, होलसेल मार्केट, ऐसे रजाई लोग का दुकान, कॉटन शॉप। ठीक है, तो मतलब बोलने का ये है कि सारा तरह का दुकान मिल जाता है आपका, रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, होम अप्लाइंस, बट चप्पल वप्पल का शॉप से लेके सारा शॉप, सब्जियाँ वब्जियाँ सब मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं रोइंग मार्केट आपको कुछ अलग तरीका से, यानी अपने स्टाइल में। आपका ऊपर अपर मार्केट का ऑटो स्टैंड, इधर आपका लोअर मार्केट और इधर है अपर मार्केट, राइट। देखें यहाँ पर है अरुणाचल स्टोर, तो देखिए अपर मार्केट में ये श्याम स्वीट के पास में और एक है इदुमिश्मी का ट्रेडिशनल हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट ओपोरियम, आप लोग चेकआउट कर सकते हो।
और ये है गाइस रोइंग का कोऑपरेटिव। तो देखिए यहाँ तक खत्म हो गया अपर मार्केट, ये जो रास्ता है इससे डिवाइड होता है, इधर अपर मार्केट इधर लोअर मार्केट। ये देखिए लिंगी टाइपराइटर के सामने आप लोगों को मिलेगा इस तरह से बॉम्बू यहाँ पे बेचने के लिए, और कॉन्टेक्ट नंबर सब इधर है। तो देखिए रोइंग में ही आपको मिलेगा रोइंग होटल अपर मार्केट में। तो देखो गाइस लिटरली एक रास्ता जो डिवाइड किया है ये बाजार को, अभी मैं हूँ लोअर मार्केट पे, ठीक है देख सक रहे हैं। और मैं रास्ता पार करके अगर इस तरफ चला जाऊँ तो मैं अब हूँ अपर मार्केट पे। तो देखिए ये थोड़ा बाजार से हम आए हैं बाहर, पर फिर भी ये लोग भी जो अपर मार्केट ये रास्ता से ऊपर में बन रहता है और नीचे में वेडनेसडे में। और देखिए बाजार तो बाजार, गैरेज लोग भी जो अपर मार्केट में आते हैं लोअर मार्केट में आते हैं वो लोग वही वेडनेसडे और फ्राइडे वाला रूल फॉलो करते हैं। तो देखिए आज है फ्राइडे और अपर मार्केट पूरा इस तरह से बंद रहता है, देख सकते हैं आप लोग फ्राइडे के दिन अपर मार्केट बंद रहता है। जो मैंने रोड दिखाया था वहाँ से ऊपर पूरा इस तरह से बंद, एक्सेप्ट मैंने देखा कि रेस्टोरेंट्स स्वीट शॉप्स ये सब खुला थे और बाकी सब बंद थे इस तरह से। और कोई जो खुला रहता है वो अपने स्टॉक्स इन्वेंट्री जब देखता है या फिर जो भी खुला रखता है उसको अगर पकड़ा गया तो फाइन लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग सब बंद ही रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्राइडे के दिन नीचे वाला का थोड़ा चल जाता है बिजनेस और वेडनेसडे के दिन ऊपर वाला का चल जाता है बिजनेस, तो इससे थोड़ा बैलेंस बना रहता है क्योंकि शॉप्स अभी बहुत सारे हैं और आपका पॉपुलेशन थोड़ा कम है ना यहाँ पर इसीलिए। और देखिए यहाँ में ये ऑटो वाला को थोड़ा बात कर लेते हैं, यहाँ में क्या होता है कि पर पर्सन नहीं लिया जाता है, पर प्लेस के हिसाब से लिया जाता है। तो भले आप ऑटो में सिंगल बैठो या पूरा फुल करके बैठो, आप जहाँ तक जाओगे वहाँ का प्राइस जो सेट है वही आपको देना पड़ता है। तो वैसे ही अपर मार्केट और लोअर मार्केट से भी प्राइस थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और होप्स कि गाइस तो मैंने पूरा अपर मार्केट कवर कर लिया हो, और आप लोग का दुकान अगर अपर मार्केट में आता है रोइंग का और आप लोग का दुकान को मैंने शायद कवर कर लिया हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप्स कि वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर करिए लाइक करने का, कमेंट करने का, कमेंट में बताइए, और बहुत सारी चीज़ मैं सब पढ़ के रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग।